नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। रीवा के इंजीनियरिंग महाविद्यालय के विश्व बैंक की परियोजना टेकविप 3 के तहत कार्यरत सहायक प्राध्यापकों ने शिक्षक दिवस पर अपने कार्यकाल को बढ़ाए जाने को लेकर प्रदर्शन किया। इस सभी सहायक प्राध्यापकों का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। इसके द्वारा संस्थान में प्रयोगशाला, एनबीए मान्यता, गेट 2020 और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। ज्ञात हो कि विश्व बैंक और MHRD द्वारा वित्त पोषित टेकविप 3 परियोजना के तहत देश भर के विभिन्न इंजीनियरिंग कॉलेजों में IIT NIT से डिग्रीधारी सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति NPIU द्वारा की गई है, जिनका भविष्य परियोजना समाप्ति की तिथि 30 सितंबर 2020 के बाद अधर में है। इनकी मांग है कि प्रोजेक्ट के तहत किए गए MOU के आधार पर इनको प्रोजेक्ट के बाद संस्था में समायोजित नियमित किया जाए। आज आप लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में धरने पर बैठे हैं, क्या मांगे हैं आपकी, क्या है? नमस्कार, मेरा नाम अनूप कुमार तिवारी है और मैं टेक्यूब के प्रोजेक्ट के तहत वर्ल्ड बैंक से और MHRD की जो सही परियोजना है उसके तहत यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और हमें विगत 3 वर्षों के लिए देश के 13 राज्यों में जो तकनीकी रूप से पिछड़े हुए थे वहाँ भेजा गया था ताकि उनके यहाँ के तकनीकी शिक्षा का उत्थान हो सके, उसमें बढ़ावा दिया जा सके या उसका डेवलपमेंट हो सके। तो हमने यहाँ रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज धरना चल रहा है आप लोगों के साथ, और कितने लोग हैं और कहाँ कहाँ चल रहा है? पूरे देश की बात करें तो लगभग 1700 प्लस NPI फैकल्टीज हैं और ये धरना आज से बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पे चल रहा है, बेसिकली आसाम में भी चल रहा है। और हमारे अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो उज्जैन, जबलपुर, रीवा जितने भी तकनीकी शिक्षा जहाँ पे NPI फैकल्टीज दिए गए थे ताकि उन इंस्टीट्यूट्स का उत्थान हो सके वहाँ पे चल रहा है। शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनूप कुमार तिवारी है और मैं अपने तमाम मीडिया कर भाइयों से ये अनुरोध करूंगा कि हमारी बातें जहाँ तक हमें पहुँचानी है, जैसे कि MHRD या NPIU तक, वहाँ तक पहुँचाने का कष्ट करें। धन्यवाद। हो चाहे बच्चों का पर्सनल या मॉरल डेवलपमेंट हो, वो सारा किया है, बच्चों की गेट ट्रेनिंग दी है और सब कुछ किया है जिसके तहत जिससे राज्य के तमाम इंजीनियरिंग कॉलेजों से लोगों का और बच्चों का उत्थान हो सके। परंतु हमें जो 3 वर्षों के लिए भेजा गया था उसमें हमारे PIP और MOU में ये लिखा गया था कि जो वेल परफॉर्मिंग फैकल्टीज हैं उनका पोस्ट प्रोजेक्ट रिटेंशन होगा, वो MHRD एज वेल एज जो हमारी सरकार है वो दोनों आपस में मिलकर करेंगी। लेकिन हमारा प्रोजेक्ट 30 तारीख को खत्म होने को है और हमारा भविष्य अधर अंधकार में जाता हुआ हमारे साथ साथ देश का एज वेल एज स्टेट का के टेक्निकल एजुकेशन का भविष्य अधर अंधकार में चला जाएगा 30 सितंबर के बाद। और इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, यहां तक कि इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समय में जहां हमने इतने पत्र लिखे, इतने मेल किए, उनका हमें जैसा जवाब होता है वो नहीं मिला। तो हमारी यही मांगे हैं कि जो भी हमारे लिए उचित कदम हो सकता है, जैसे हमारा रिटेंशन, बेसिकली रिटेंशन हमारी मांग है, वो किया जाए या फिर सिस्टम ऐसा कुछ करे जिससे हमारा एब्जॉर्प्शन मेन स्ट्रीम सिस्टम में किया जा सके। कितने लोग धरने में बैठे हैं और ये कब तक धरना आपका चलेगा? हमारा धरना आज से शुरू हुआ है क्योंकि आज शिक्षक दिवस है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती है जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति जी थे और एक शिक्षक भी थे, तो उन्हीं की यादों में हम ये अपना धरना स्टार्ट कर रहे हैं। और ये धरना हमारा तब तक चलेगा जब तक हमारे रिटेंशन का या एब्जॉर्प्शन के लिए उचित कदम नहीं उठाए जाते हैं।